दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करते हैं लार्जोस्टोमिया इंडिका के बारे में। ये एक बहुवर्षीय पौधा है जो कि एवरग्रीन भी है और साथ में जिन जगह पे ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां पे इसके पतझड़ भी होता है। इसमें डेसिडुअस नेचर का भी है और इसमें बेहद आकर्षक फूल आते हैं जो कि सफेद रंग में हो सकते हैं, पर्पल कलर में हो सकते हैं, पिंक कलर में हो सकते हैं और बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज भी आजकल चलन में है। इसको लगाना बेहद आसान है, खाली आपको ध्यान ये रखना है कि पाले जैसी प्रॉब्लम जो है उससे इसको बचाया जा सके। और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल गुण भी हैं। इस पौधे को तैयार करने के लिए आप कटिंग्स के द्वारा तैयार कर सकते हैं, बीज के द्वारा तैयार कर सकते हैं, एयर लेयरिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं, परंतु सबसे आसान जो तरीका है वो एयर लेयरिंग और कटिंग्स के द्वारा। और साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये बेहद आकर्षक पौधा है, इसको आप बगिया में अपने लगा सकते हैं और उसको आसपास का इलाके को आप मनमोहक और आकर्षक बना सकते हैं। देखते हैं ये वीडियो और आप देखिए और सोचिए कहाँ आपने इसको पहले देखा है और कहाँ पे आप इसको लगाना चाहेंगे। लार्जेस्टोमिया इंडिका एक बहुवर्षीय पौधा है जिसमें सर्दियों के समय में अक्सर पत्ते गिर जाते हैं यानी कि पतझड़ आता है। और जो लार्जेस्टोमिया इंडिका है वो लाल रंग के फूल, पिंक कलर के फूल, पर्पल कलर के फूल और सफ़ेद रंग के फूल, ये चार तरीके के फूल उसमें पाए जाते हैं अलग अलग। और अभी कुछ हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आ गई हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के मिक्स कलर भी पाए जाते हैं। आमतौर पर इसमें जो ब्लूमिंग देखी गई है, फूल फ्लावरिंग पीरियड जो देखा गया है वो है मार्च से लेकर सितंबर तक। इसमें अच्छे सुंदर फूल आते हैं और फूल गुच्छों में आते हैं। अगर हम लार्जेस्टोमिया इंडिका की उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ये साउथ ईस्ट और ईस्टर्न एशिया का पौधा है। अब ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया है। लार्जेस्टोमिया इंडिका को आप श्रब के रूप में लगा सकते हैं और साथ ही पेड़ के रूप में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको श्रब के रूप में ग्रो करना है तो आप इसमें नीचे से ज़मीन की सतह से 3-4 ब्रांचेस लेके चलते हैं, और अगर आपको इसको पेड़ के रूप में ग्रो करना है तो आप एक ही शाखा लेके ऊपर बढ़ते हैं। और अगर पेड़ पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है तो लगभग 25 से 30 फुट हाइट उसकी हो जाती है। लार्जेस्टोमिया इंडिका एक आउटडोर पौधा है यानी कि सीधा धूप में इसको उगाया जा सकता है। लगभग 6 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है, परंतु जिन स्थानों पर लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, वहाँ पर इसको लू से बचाना पड़ता है थोड़ा। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप शाम के समय में पौधे को नहला भी सकते हैं, पानी का अच्छा छिड़काव कर सकते हैं। पौधे की अगर तने की बात करें तो तना काफ़ी चिकना होता है, जिस तरीके से अमरूद का जो आपने तना देखा होगा बिल्कुल अमरूद के तने जैसा होता है, चिकना, स्मूथ और साथ में लचीला, बेहद सुंदर दिखता है। लार्जेस्टोमिया इंडिका को अगर आपको श्रब के रूप में उगाना है तो आप इसको गमले में उगा सकते हैं। और आमतौर पर कहा यह जाता है कि 18 इंच से बड़ा साइज़ का गमला अगर आप उपयोग करते हैं तो बेहतर रहता है। और अगर आपको पेड़ के रूप में इसको उगाना है तो आप इसको सीधा ज़मीन में लगाइए और सिंगल स्टेम लेके चलें और फिर इसको पेड़ के रूप में विकसित करें। लार्जेस्टोमिया इंडिका का अगर हम ब्लूमिंग सीज़न देखें तो ये लंबा होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्च से लेकर सितंबर माह तक इसमें फूलों की भरमार रहती है और फूल गुच्छों में आते हैं और बेहद सुंदर लगते हैं। सफ़ेद रंग के फूल, पिंक कलर के फूल, लाल रंग के फूल, पर्पल कलर के फूल और हाइब्रिड वेराइटीज़ बहुत सारी अभी मार्केट में आ गई हैं, जिससे इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी चमकीले होते हैं, शुरुआती दौर में ये ब्रॉन्ज कलर के, तांबे कलर के होते हैं और बाद में जाके हरे कलर के हो जाते हैं और काफ़ी चमकीले और सुंदर दिखते हैं। अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो पॉट के अंदर लगभग 10 से 15 फुट तक आप इस पौधे को विकसित कर सकते हैं। और इसमें प्रूनिंग करना बेहद आवश्यक होता है। प्रूनिंग का जो सही समय होता है वो होता है फरवरी के दौरान, और फरवरी में प्रूनिंग कर देते हैं, उसके पश्चात जब नई कुपले फूटती हैं तो उसमें ब्लूमिंग आती है, बहुत सुंदर ब्लूमिंग आती है। और जो फूल आते हैं वो कॉनिकल पेनिकल्स के रूप में फूल आते हैं, बेहद सुंदर और आकर्षक लगते हैं। यहाँ तो ये पौधा ड्राफ्ट टॉलरेंट होता है यानी पानी की कमी को भी काफ़ी हद तक सहन कर लेता है, परंतु अगर ज़्यादा समय तक पानी की कमी रह जाए तो फिर फूल कम आते हैं। लार्जेस्टोमिया इंडिका की आप चाहें तो सुंदर बोनसाई भी तैयार कर सकते हैं, और जब बोनसाई तैयार करते हैं तो छोटी बोनसाई के ऊपर ही बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं जो बेहद आकर्षक लगते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी ओर। कुल मिलाकर लार्जेस्टोमिया इंडिका एक अच्छा पौधा है जिसको कि आप बीज के द्वारा, कटिंग के द्वारा और एयर लेयरिंग के द्वारा
बीज से जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें समय लगता है और पौधे की ग्रोथ भी धीरे होती है, फूल लेट आते हैं, परंतु अगर आप एयर लेयरिंग के द्वारा पौधा तैयार करते हैं तो जल्दी फूल आते हैं और मानसून के समय एयर लेयरिंग द्वारा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। वहीं अगर आप कटिंग के द्वारा पौधे तैयार करते हैं तो ये इसका सही समय है मानसून के दौरान और फरवरी माह में। आमतौर पर देखा यह गया है कि फरवरी माह में अगर आप कटिंग के द्वारा पौधे तैयार करते हैं तो बेहद आसानी से आप पौधे तैयार कर पाते हैं। कुल मिला के 100 बातों की एक बात यह है कि लार्जेस्टोमिया इंडिका का पौधा एक बार आपको खरीद कर लाना है, बाद में आप अपने घर और बगीचे के अंदर ही इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं और बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आओ लार्जेस्टोमिया इंडिका लगाएं और अपनी बगिया को सुंदर बनाएं। साथ ही ये भी देखिए आप कि आपने पहली बार इस पौधे को कहाँ देखा है और आपको ये पौधा कैसा लगा, और अगर आप ये पौधा आप लगा रहे हैं तो आप हमें भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।